हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था द्विघाती सूत्र क्या होता है, यानी कि द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र, ठीक है, जो श्रीधराचार्य हम लोगों ने बोला था द्विघाती सूत्र को। द्विघाती सूत्र हो गया था और पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना, जो सब कुछ बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ठीक है। नहीं देखा है तो देखिएगा आप लोग जा करके, प्लेलिस्ट में सारे पड़े हुए हैं। फिर इसके बाद जो एग्जाम्पल्स रह गए हैं उन एग्जाम्पल्स को आज जो है कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें क्या दे रखा है, ऐसी दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। अब क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम धनात्मक संख्याएं, पहली बात तो क्रमागत है, ठीक है, दूसरी बात धनात्मक, धनात्मक में सारे पॉजिटिव की लेने हैं, धनात्मक, एक सेकेंड, धनात्मक क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम क्या होते हैं, जो दो से डिवाइड ना हो, विषम पूर्णांक, ठीक है, इनके वर्गों का जो योगफल है, वर्गों का योगफल, वर्गों का योग कितना दे रखा है, 290 दे रखा है, ठीक है, तो वो धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक क्या होंगे इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर सपोज टू करते हैं, एक पूर्णांक मैं मान रहा हूँ एक्स, देखिएगा सोल्यूशन, माना एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक एक्स माना है, तो दूसरा क्या होगा। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस टाइप के, 5, बट यहाँ पे क्या लेने हैं, विषम लेने हैं, मीन्स 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, आगे जो 6 होगा वो नहीं होगा, 7 होना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स एक एक का गैप हो रहा है, मीन्स अगर ये वैसे अगर मतलब खाली क्रमागत होता तो दूसरा एक्स प्लस 1 होता था, ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट क्रमागत नहीं है तो एक्स प्लस 2 होना पड़ेगा, अगर एक्स को 1 लें तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, 3, तो 1 लीजिए, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, अगर 3 ले रहे हैं तो 3 प्लस 2 5 आएगा, ठीक है, तो जो दूसरा दूसरा हो जाएगा, दूसरा दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। फिर क्या कह रहा है, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 290 है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ देंगे, ठीक है, तो शर्तानुसार, शर्त क्या करें, शर्तानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, दोनों का स्क्वायर योग, वर्गों का योगफल है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर, देखो दोनों के वर्ग किया गया फिर उनका योग किया गया, वो कितना है, 290 है, ठीक है। अब इसका यूज कर लेंगे, इसको ओपन करिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मीन्स 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू 290, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, देखिएगा एक्स और एक्स 2x स्क्वायर, चलो मैं कराई दे रहा हूँ, अब प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 माइनस 290 होगा बराबर 0, ठीक है, 2 से सारे को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 143 इक्वल्स टू 0। भाई 4 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 286, 286 का जब दो से डिवाइड करेंगे तो 143 आएगा, 143, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है द्विघात समीकरण का, मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करें क्या मिल जाएगा, हमें ए मिलेगा, बी मिलेगा और सी भी मिल जाएगा, ठीक है, ए मिल जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर, ए का कोफिशिएंट 1, ठीक है, बी क्या मिल जाएगा, बी का कोफिशिएंट 2 और सी क्या मिलेगा, माइनस का 143 43, ठीक है। अब देखिए द्विघाती फार्मूला मैंने लिखाया था, अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा आप लोग देखिएगा, फार्मूला लिखा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, ठीक। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, बस हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी,
माइनस बी मीन्स माइनस का टू होगा प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर मीन्स फोर होगा माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए फोर ही होगा और सी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 576, है ना। देखो भाई चार और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 576 अपॉन टू ए, ए क्या है वन है तो टू इंटू वन टू ही रहेगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं किया गया तो एक्स इक्वल टू आ गया माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस 576 अपॉन टू, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिएगा तो आएगा माइनस टू प्लस माइनस, अब देखिएगा 576 चार माइनस 576 है, एक सेकेंड 576 नहीं 572 होगा, 572 होगा भाई। देखो चार से मल्टीप्लाई करेंगे, चार तीन 12 लास्ट में दो आएगा ना 572। अब इससे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये माइनस का भी नंबर है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब आएगा अंडर रूट 576 अपॉन टू। अच्छा 576 किसका वर्ग होता है, ये एक्स इक्वल चल रहा था, एक्स इक्वल टू 24 का आता है तो माइनस दो प्लस माइनस 24 बटे दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स की वैल्यू आई है माइनस टू प्लस माइनस 576 बटे दो, एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का लेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस एक्स इक्वल टू आएगा माइनस टू प्लस 576 बटे दो और माइनस टू माइनस 576 बटे दो, या तो प्लस का हो गया माइनस का हो गया तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस टू। देखो 576 से दो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना तो बचेगा 574 बटे दो, अथवा यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो माइनस ही का आएगा 578 बटे दो, ठीक है। जब दो से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा देखिएगा, जब दो से डिवाइड करेंगे यहाँ पे देखिएगा दो दूनी चार, अच्छा एक हुआ 17 दो अट्ठे 16, अच्छा 287 यहाँ से देखिएगा दो दूनी चार दो अट्ठे 16 दोने मटा 289 तो एक्स इक्वल्स टू आया 287 कामा माइनस का 289, ठीक। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक आया है एक सेकेंड गलती कहाँ पे हो रही, वो सीट देखिएगा यहाँ पे 576 नहीं होगा कभी भी, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पे था 24 था तो 24 होगा 24, ठीक है। तो यहाँ भी 24 होगा, यहाँ भी 24 तो x इक्वल्स टू तो यहाँ पे होगा 22 बटे दो, यहाँ पे होगा माइनस का 26 बटे दो, तो यहाँ से आ जाएगा 11, यहाँ से आएगा 13, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 11 हो सकती है अथवा माइनस 13, ठीक है। x की वैल्यू या तो 11 होगी या होगी माइनस का 13, ठीक। अब इसको चेक कर लीजिएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें 290 आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। x का स्क्वायर करें 121, 13 का स्क्वायर करें 169 होता है, दोनों को ऐड कर दें 290 हो ही जाएगा, सिंपल है। चेक कर सकते हैं आप लोग, देखिएगा यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ 11 का स्क्वायर 121 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर प्लस ही का आएगा 169, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 9 एक 10 6 2 8 1 9 एक एक 290 आ रहा है, मीन्स हमारे जो आंसर हैं बिल्कुल ही करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग जो है कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल था। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद एग्जाम्पल ही आज मैं कराने वाला हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या लिखा है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक आयताकार पार्क दे रखा है। अब आयताकार, आयत का नाम जैसे ही आया तो पता होना चाहिए ना आयत क्या होता है, ठीक। तो आयत पहले पता होना चाहिए फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक। तो क्या दे रखा है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई बतानी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक चीज मान लेते हैं, तो एग्जांपल नंबर है 12। आप लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो करिएगा तो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, फुल एनसीईआरटी जो होती है उसमें उसी का एग्जाम्पल नंबर 12 है। अब देखिए आयताकार जो भाग है
उसकी जो बागनी पार्क है या कुछ भी है, आयताकार पार्क की चौड़ाई मान लेते हैं, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई मान ली इस बार, चौड़ाई क्या मानी है, ई एक्स, चौड़ाई एक्स है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में लिखा था, फैफ एफ लिखा है, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है, तो मीन्स लंबाई 3 ज़्यादा हो जाएगी, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, जो भी मीटर में है और जो भी मीटर में है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, एरिया, एरिया क्या आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीन्स एक्स इंटू एक्स प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स, ठीक है, जे क्या आ गया, जे आ गया क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर में आते हैं ना। अब क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार निकाल लेते हैं, जो समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज क्या आता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, उसका आधार एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एक्स इंटू 12, ठीक है। अब 12 क्या हो जाएगा, 12 तो दे रखा है ना इसमें, देखिएगा जो दे रखा है, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तो ऊंचाई 12 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 6 12, ठीक, तो आ जाएगा 6x, एरिया आ गया किसका, आ गया एरिया समद्विबाहु त्रिभुज का, एरिया आ गया 6x, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, इन दोनों का एरिया जो है बराबर है, मीन्स आयत का एरिया और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको बराबर लगा देंगे 6x की, इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। 6 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक कंडीशन और दे रखी थी, 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, भाई इसमें 4 ऐड भी करना पड़ेगा, 4 मीटर अधिक, मीन्स 4 ऐड करके तब युक्ल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6x -4 = 0, इसको सॉल्व करें तो आएगा एक्स स्क्वायर -3x और -4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिखाते, फार्मूले का यूज कर लेंगे, जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -3 और सी हो जाएगा -4, ठीक है, ए बी सी निकाल लिया, दिखाते फार्मूला यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, -b + -√b² - 4ac/2 ये होता है, इसमें वैल्यू पुट करिएगा, बी क्या है, 3 है ना, देखिए यहाँ पे -3 है, तो अब माइनस पहले से +3 हो जाएगा, +-√b² बी क्या है, -3, -3 का स्क्वायर 9, -4ac 4a मतलब 4, और माइनस है तो प्लस, 4 4 16 हो जाएगा, 0.2a कितना है 1, 3 + -25 होगा, और 0.2 इसको सॉल्व करिएगा, 25 मतलब 5, तो 3 + -5/2, एक बार प्लस का ले सकते हैं एक बार माइनस का, तो 3 + 5/2 और 3 - 5/2, तो 8/2 होगा, और यहाँ होगा -2/2, तो आएगा 4, -1, ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आई है 4, -1, 4, -1, ठीक है, -1 नहीं हो सकता, x = -1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगी, तो x को 4 होना पड़ेगा, यानी कि x = 4 लेंगे, जब x 4 ले लेंगे तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 4 मीटर और जो लंबाई हो जाएगी 4 + 3 यानी कि 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, इसको करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 13 है, 14 15 एग्जांपल सारे कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद एक ही लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज जो है 4.3 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ पे लगातार वीडियो अपलोड होती हैं डेली की डेली, और बिल्कुल फ्री में होगा, सारा सिलेबस होगा, कोचिंग फ्री में है बिल्कुल भी, तो फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, तो थैंक यू गाइस।